हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी में। तो प्लीज़ अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती हो गई तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। और मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, आप तक कुछ पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए प्लीज़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? खोखा किन मामलों में अपवाद था? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा, ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? देवनागरी लिपि में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? शिक्षा का देव गांधी जी क्या मानते हैं? कवि किसके बिना जगत में यह जन व्यर्थ मानते हैं? अगला क्वेश्चन, हरीश से कवि का क्या अभिप्राय है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है, स्पष्ट करें। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई हैं? अगला क्वेश्चन, कविता में कवि भारतवासियों का कहाँ कैसा चित्र खींचता है? अगला क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में समय का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? हिरोशिमा में मनुष्य की सखी के रूप में क्या है? अगला क्वेश्चन, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? अगला क्वेश्चन, कासु और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? बिस्मिल्ला खां का मतलब, बिस्मिल्ला खां की सनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्ला खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। ये था 23 क्वेश्चन। यदि इस सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और जो ये एग्ज़ाम होने वाली है 2024 में 10th क्लास के लिए, ये क्वेश्चन है हिंदी का, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।